एक और जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -tan α/2, tan α/2 0, दिस इज वन मैट्रिक्स एंड आई बी दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो जब भी बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तो मुझे ऑर्डर 2 x 2 बोलने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली से इट इज ऑफ ऑर्डर 2। तो वो अंडरस्टूड है, सिंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो हमने रो लिखा है वही हमारे पास कॉलम भी होने वाला है। तो हमें शो करना है दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। अगेन मल्टीप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड। तो हम एक एक करके इवैल्यूएट कर लेते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, अगर सेम आता है तो हम प्रूव कर पाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज आई प्लस ए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो मतलब डायगोनल पर 1 आएगा, नॉन डायगोनल 0 आएंगे। और ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज 0 -tan α/2 tan α/2 0। कुछ नहीं किया, सिंपली वैल्यू ही पुट किए। क्वेश्चन किसका बन गया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हमें पता है ऐड कैसे करते हैं, यू कैन ऐड दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 1 + 0 इज 1, 0 - tan α/2 इज -tan α/2, 0 + tan α/2 इज tan α/2, एंड 1 + 0 इज 1। सो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स। अगर राइट हैंड साइड भी यही आ जाए तो हमने शो कर देंगे जो पूछा गया था। तो राइट हैंड साइड हम सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड इज आई माइनस ए इंटू कॉस आल्फा माइनस साइन आल्फा साइन आल्फा कॉस आल्फा। तो सबसे पहले ये आई माइनस ए क्या है हम वो निकाल लेते हैं। सो आई माइनस ए निकालने के लिए लेट्स से मैं इधर लिख देती हूँ, आई माइनस ए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से अपनी ए मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 - 0 इज 1, 0 - tan α/2 इज +tan α/2, 0 - tan α/2 इज -tan α/2, एंड 1 - 0 इज 1। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनी है दैट इज 1 tan α/2 -tan α/2 1, एंड जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो एज इट इज दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। तो अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड जैसी ही चीज मिल जाती है तो हम प्रूव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का के लिए। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वही सेम चीज बनती है या नहीं। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, एंड जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो होगी ऑर्डर 2 x 2। तो मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 रोज के लिए और 2 कॉलम, 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं। निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा रो 1 कॉलम 1 में, तो रो 1 को कॉलम 1 से हम कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 1 × cos α दैट इज cos α +tan α/2 into sin α, राइट।
देन दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, दैट इज रो वन कॉलम टू. तो रो वन इंटू कॉलम टू कर लेते हैं. वन इंटू माइनस साइन आल्फा, दैट इज माइनस साइन आल्फा, प्लस टेन आल्फा बाई टू को करेंगे कॉस अल्फा से. तो दैट इज टेन आल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा. हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे ही. नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं रो टू कॉलम वन. मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टेन आल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस वन इंटू साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा. एंड नेक्स्ट एलिमेंट है रो टू कॉलम टू में, तो रो टू को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टू से. तो दैट इज टेन अल्फा बाय टू साइन अल्फा प्लस वन इंटू कॉस अल्फा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा. तो अभी हम देख रहे हैं ये कोई लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स जैसी कुछ चीज़ हमें अभी नहीं दिख रही है, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है. तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. अब सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि टैन दिख रहा है तो हम बेसिक टैन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में. लिख सकते हैं सिमिलरली, जहां पर भी हमें टैन अल्फा बाई टू दिख रहा है हम उसको बस साइन अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाई टू कर लेते हैं. तो हमने सब जगह इसको कन्वर्ट करके लिख लिया साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू. अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं. तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू. देख सकते हैं कॉस अल्फा बाई टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ये एज इट इज होल डिवाइडेड बाय दिस. ऐसे ही दूसरे के लिए करेंगे, सो दैट गिव्स यू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू. नेक्स्ट एलसीएम ले रहे हैं, माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा. एंड लास्ट साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा ऑल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू. और जो भी हमने लिखा है न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं दे आर एक्चुअली दी आइडेंटिटीज. कौन सी आइडेंटिटीज, कौन से फॉर्मूलाज, वही बन रहा है. हमें पता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. हमारे पास होता है क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. तो इधर x की जगह पर अल्फा है और y की जगह पर अल्फा बाई टू है. तो अगर मेरे पास है cos अल्फा बाई टू प्लस sin अल्फा बाई टू, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, राइट, विच इज़ नथिंग बट cos ऑफ अल्फा बाई टू बनेगा. ऐसे ही एक और हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स माइनस वाई. तो सेम चीज़ है, एक्स की जगह पर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. तो एक्स की जगह पर मुझे दिख रहा है अल्फा बाय टू और y की जगह पर मुझे दिख रहा है अल्फा. तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन
y, क्या बन जाएगा ये? This will be sine of x minus y, which is sine of minus alpha by 2 and sine of minus x. क्या होता है? Minus sine x. So this will come out as minus sine alpha by 2. ये हमें formulas दिख रहे हैं. तो ये same formulas हम लोग apply कर सकते हैं और अपनी matrix देख सकते हैं क्या बन जाती है. तो आपके पास बनेगा cos of alpha minus alpha by 2 upon cos alpha by 2 sin alpha by 2 minus alpha upon cos alpha by 2 sin alpha minus alpha by 2 upon cos alpha by 2 and cos of alpha minus alpha by 2 upon cos alpha by 2. So after simplifying you get 1 minus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2. This is sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 and this is 1, so which is nothing but 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. तो हम चेक करेंगे क्या ये राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के इक्वल है. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स एंड हमारी राइट हैंड साइड मैट्रिक्स भी तैयार है. सो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड.